नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुल्हन ने घुमाया दूल्हे को फोन, पूछा बारात कहां तक पहुंची, मिला प्यार भरा जवाब, फिर नहीं हो पाई शादी। फेसबुक पर पहले दोस्ती, फिर प्यार, और प्यार के बाद शारीरिक संबंध, और अंत में धोखा। आए दिन सुनने में आने वाली कहानियों से मिलती जुलती कहानी भांडेर थाना के लिधोरी हवेली गाँव में देखने को मिली है। गांव की एक युवती की फेसबुक पर एक युवक से जान पहचान हुई, दोनों के बीच चैटिंग भी शुरू हुई, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। युवक ने अपना नाम आदित्य उर्फ अर्जुन धोरे बताया। अर्जुन ने खुद को राजस्थान के जयपुर शहर का निवासी बताया। अर्जुन धोरे ने यह भी बताया उसके पिता पूर्व विधायक हैं। फेसबुक पर दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि अर्जुन ने शादी का वादा किया। भांडेर में आकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। युवती के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। 20 मई को शादी होनी थी। लड़की वालों के यहाँ 3 दिन से रस्में चल रही थी। भांडेर के हरिओम मैरिज गार्डन में शादी की तैयारियां चल रही थी। अर्जुन लड़की के परिजनों के साथ लगातार संपर्क में था। इसी बीच दुल्हन ने दूल्हे को फोन मिलाया, पूछा बारात कहाँ तक पहुँची। उधर से जवाब मिला, हम रास्ते में है, बारात लेकर आ रहे हैं। अर्जुन रात 12 बजे तक बारात लेकर पहुँचने का वादा करता रहा और फिर अपना फोन बंद कर लिया। अर्जुन के धोखे से दुल्हन बुरी तरह टूट गई। पीड़िता ने भांडेर थाना में अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जब भांडेर पुलिस मामले की जांच कर रही थी तो पीड़िता के भाई ने बताया, बहन की शादी तय हुई थी तो हम बारात के आने के इंतजार में थे। शाम 7:30 बजे दूल्हे से बात हुई कि आप बारात लेकर कब आ रहे हैं। वह बोला, हम निकल आए हैं, फिर उनका फोन नहीं लगा, स्विच ऑफ जा रहा था। हमने रात 3 बजे तक इंतजार किया, फिर हम रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।